गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग वर्ल्ड मैप के सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें से हम लोग सार्क कंट्री देख लिए थे, साउथ एशिया देख लिए हैं, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया देख लिए हैं, आसियान कंट्री देख लिए हैं, उसके बाद हम लोग अभी देख रहे हैं ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में हम लोग कवर कर चुके हैं चाइना, ठीक है, और इसके आसपास जितने इसने हड़प रखा है, कौन कौन सा हड़प रखा है। चाइना ने जिसे ताइवान, ठीक है, ताइवान को एक दर्जा देश का दर्जा देता नहीं है, हांगकांग, मकाओ, हेनान द्वीप हो गया, पारशल द्वीप और स्पैटली द्वीप, और इसने एक कृत्रिम द्वीप यहाँ बना रखा है, ये आपका साउथ चाइना सी हो गया। ये तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, और इसके बाद ताइवान भी देख लिए हम लोग, और ताइवान के देखने के साथ साथ कोरिया देख लिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया हम लोग देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जापान, हम लोग देखेंगे आज जापान देखने की कोशिश करेंगे इसकी जापान कहाँ है। ठीक, तो जापान जो है इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। तो जापान का सबसे ऊपरी जो द्वीप है, उसे कहते हैं होकाइडो द्वीप। जापान का सबसे ऊपरी द्वीप को कहते हैं होकाइडो द्वीप। ये जापान का सबसे ऊपरी द्वीप है, एक द्वीप ये रहा, दो द्वीप ये तीसरा, और ये आपका चौथा। तो यहाँ पे चार द्वीप हैं। सबसे ऊपर का द्वीप है उसे कहते हैं होकाइडो द्वीप, इसे होकाइडो द्वीप कहते हैं। उसके बाद ये जो दिख रहा है बड़ा सा, इसे कहते हैं होन्सू द्वीप। और फिर ये जो नीचे दिख रहा है इसे कहते हैं सीकोकू द्वीप कहते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे का जो द्वीप है इसे कहते हैं क्यूसो द्वीप, ठीक है। तो यहाँ पे कितने द्वीप हैं? चार द्वीप हैं, होकाइडो द्वीप, होन्सू द्वीप, सीकोको द्वीप और क्यूसू द्वीप, चार द्वीप हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो द्वीप आपको दिख रहा होगा होन्सू द्वीप है। क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्सू द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है होन्सू द्वीप, ठीक है। अब देखते हैं जो होन्सू द्वीप है, होकाइडो द्वीप है, सिकोको द्वीप है और होकाइडो द्वीप है, ठीक है। हम लोग चार द्वीप देख लिए। इसकी जो शहर एक ओसाका है, आप यहाँ देखेंगे जापान में एक शहर आपको मिलेगा, वो कौन सा है? ओसाका। तो ओसाका आप मैप देखिए, ओसाका यहाँ पे है, ये आपका ओसाका है, ठीक है। तो ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। देखिए ये आपका ओसाका है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, मैनचेस्टर क्या कहते हैं? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसे मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? तो मैनचेस्टर कहने मतलब है कपड़ा उद्योग, जहाँ पे सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग का जहाँ पर अधिकता होती है उसे हम लोग कहते हैं मैनचेस्टर। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। तो जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जापान का जो मैनचेस्टर कहते हैं वो कहते हैं ओसाका को कहते हैं। और इसी प्रकार जो एशिया का मैनचेस्टर, पूरे एशिया की बात करें तो एशिया का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? आप पढ़ चुके हैं, मुझे कमेंट कर बताएंगे कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। हम आप लोग को बता चुके हैं कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, बताएंगे कमेंट करके। और वैसे ही भारत का मैनचेस्टर कहाँ है, किसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, ये भी आप कमेंट बताएंगे, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं और एशिया का मैनचेस्टर आपको तो बता चुके हैं, ये जो आपको मैं बता चुका हूँ कि एशिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और आप पता लगाएं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
इसके बढ़ने के बाद ओसाका हो गया, ओसाका के बाद आता है क्यूटो। क्यूटो जो है वो आपका यहाँ मिलेगा, यहाँ होंसु द्वीप पे, ये आपका यहाँ है क्यूटो, ये आपका क्यूटो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ समझिए क्यूटो, ये क्यूटो क्या है? क्यूटो एक शहर है वहाँ का, जापान में होंसु द्वीप पे, वहाँ पे एक शहर है, कौन सा? क्यूटो। तो क्यूटो में वहाँ पे एक प्रोटोकॉल हुआ था, क्यूटो में वहाँ क्या हुआ था? प्रोटोकॉल, किस बात को लेकर प्रोटोकॉल हुआ था? तो ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जिसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही थी, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ रही थी, तो इसे कम करने के लिए कहा गया था इस प्रोटोकॉल में, कम करने के लिए, ज़्यादा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही थी, इसकी मात्रा बढ़ रही थी, इसे कम करने के लिए यहाँ पे एक प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ पे? क्योटो शहर में। कब किया गया था? तो 1997 में, 1997 में एक प्रोटोकॉल किया गया था, क्योटो, इसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। ये जापान के, जापान में एक शहर है, ठीक है, जापान में एक शहर है क्योटो। अब बात करते हैं, एक शहर है नागोया। अब मैप पे देखेंगे तो आपको एक यहाँ शहर मिलेगा आपको नागोया, तो ए रहा आपका नागोया, यहाँ पे ए नागोया, ठीक है, मैप में आप देखिए आपको मिलेगा नागोया। तो ए नागोया क्या है? नागोया जो है इसे जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, नागोया है, नागोया इसे क्या कहते हैं? जापान का डेट्रॉइट, डेट्रॉइट जापान का, डेट्रॉइट, ठीक है। डेट्रॉइट कहने के सेंस में कि वहां पे ऑटोमोबाइल, 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 ऑटोमोबाइल को वहाँ पे उद्योग है, वाहन उद्योग, वाहन का, ठीक है। तो इसे कहते हैं डेट्रॉइट। आप कमेंट करके बताएंगे भारत के डेट्रॉइट किसे कहते हैं, भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताएंगे भारत के डेट्रॉइट, भारत का डेट्रॉइट, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत जो जापान है, जापान की राजधानी आपको टोक्यो, टोक्यो आपका यहाँ मिलेगा होंसु द्वीप पे, यहाँ देखिए ये आपका दिख रहा है टोक्यो। टोक्यो के बाद बढ़ते हैं आगे, वहाँ पे शहर कौन सा है? फुकुशिमा। वहाँ पे आपको एक शहर मिलेगा फुकुशिमा, कौन सा? फुकुशिमा। तो फुकुशिमा आपको इसमें मिलेगा सिकोकू द्वीप पे, यहाँ पे आपको फुकुशिमा क्या मिलेगा, यहाँ कौन सा मिलेगा? फुकुशिमा, क्या नाम है इसका? फुकुशिमा, फुकुशिमा। एक यहाँ शहर कौन सी है? फुकुशिमा। तो फुकुशिमा में यहाँ पे क्या होता है? दुर्घटना होता है, यहाँ पे दुर्घटना होता है, एक हादसा होता है। तो दुर्घटना क्या होता है? होता है कि यहाँ पे एक परमाणु बिजली घर बना होता है, परमाणु बिजली घर होता है, परमाणु बिजली घर, परमाणु बिजली घर, इसी घर में क्या होता है? परमाणु बिजली घर में होता है दुर्घटना। यहाँ पे कब होती है? 12 मार्च 2011, 12 मार्च 2011। तो 12 मार्च 2011 को फुकुशिमा में यहाँ पे दुर्घटना होती है परमाणु बिजली घर में, ठीक है। अब इसके बाद जापान के दो शहर और फेमस हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। तो हिरोशिमा आपको जो है आपका होंसु द्वीप आएगा, हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा आपको यहाँ मिलेगा और नागासाकी आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ हिरोशिमा, ये हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा यहाँ मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको नागासाकी, नागासाकी, ठीक है। तो जापान में दो शहर है कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी, यहाँ पे देखते हैं। जैसे आप मैप में देखेंगे तो मैप में आपको यहाँ पे जो बताया था, हम लोग चार द्वीप बताए थे, चार द्वीप बताए, उसमें से एक द्वीप यहाँ पे देखिए आप, होंसु द्वीप। तो होंसु द्वीप का ये भाग है और यहाँ पे का है, और एक क्योसु द्वीप का।
तो यहाँ पे एक शहर आपका हिरोशिमा और यहाँ पे आपका नागासाकी, हिरोशिमा और ये आपका यहाँ मिलेगा नागासाकी, नागासाकी। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आप लोग तो पढ़ चुके होंगे यहाँ पे परमाणु बम विस्फोट हुआ था, ठीक है, किसने किया था, तो अमेरिका ने किया था जापान पे। इसमें हिरोशिमा जो है, हिरोशिमा यहाँ इस पे 6 अगस्त 6 अगस्त 1945 को यहाँ पे जो बम विस्फोट हुआ था, जापान ने बम बरसाया था इस पे हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को, और इस पे जो बम बरसाया गया था, इस पे जो बम बरसाया गया था वो कौन सा था, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, छोटा लड़का, छोटा लड़का। कब बरसाया गया था, 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था परमाणु बम, इस बम का क्या नाम था, लिटिल बॉय, और ये क्या था, यूरेनियम से बना हुआ था, यूरेनियम से, कैसे था, यूरेनियम से। ठीक है, अब उसके बाद आता है नागासाकी की बारी आती है, तो ये नागासाकी जो है इस पे 3 दिन बाद, हिरोशिमा पर गिराया था 6 अगस्त को, इसमें 3 दिन के बाद 9 अगस्त, तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा ने पहले गिराया था 6 अगस्त को, कौन सा, लिटिल बॉय, इसके बाद कौन था, लिटिल बॉय जो छोटा लड़का होता है, क्या होता है, मोटा होता है, तो फैट मैन, फैट मैन क्या होता है, फैट मैन, इसका क्या नाम होता है, फैट मैन। और इसे जो बनाया गया था पोलोनियम का यूज किया गया था, इसका जो प्रयोग हुआ था पोलोनियम, पोलोनियम, पोलोनियम 293 इसका यूज हुआ था इस परमाणु बम में। ठीक है, और ये जो नागासाकी है किस द्वीप पे है, क्यूसू द्वीप पे है, आप लोग बता चुके हैं किस पे है, क्यूसू द्वीप पे है। ठीक है, यहाँ देखिए आप 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, इसे 3 दिन पहले, ऐसे 3 दिन बाद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन गिरा, लिटिल बॉय, कौन से गिराया, लिटिल बॉय, और दूसरा कौन सा आया, फैट मैन। तो जो पहला गिराया था किसका था, यूरेनियम का था, किसका था, यूरेनियम, और दूसरा पोलोनियम 293 का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर नॉर्थ एशिया, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉर्थ एशिया में कौन कौन से जाते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नॉर्थ एशिया।